दोस्तों नमस्कार, ईएनआई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कैपेसिटर के काफ़ी सारे उपयोग सीखे होंगे, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, तो दोस्तों मैं कैपेसिटर का एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं। इसमें मैं दोस्तों काफ़ी सारे कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करूंगा, उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपको बताऊंगा कि सीरीज बनाने के बाद कैपेसिटर का क्या बिहेव रहता है और पैरेलल होने के बाद क्या बिहेव रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको कैपेसिटर के बारे में पता नहीं होता है कि कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, उन्होंने केवल एक थ्योरेटिकल पढ़ा। तो मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर क्या इसके इंटरनल डिफरेंस आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर इसके कैपेसिटेंस में क्या क्या डिफरेंसेस आता है। तो फ्रेंड्स इसका जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे इस तरह की यूजफुल वीडियो और टेक्निकल वीडियो टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 कैपेसिटर जो रखे हुए हैं, इन 5 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है और ये 5 कैपेसिटर 10.4 माइक्रोफेरेड के हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर को लिया है और एक कैपेसिटर को मल्टीमीटर चेक करके भी बता देता हूँ कि इसके अंदर कितना कैपेसिटेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कनेक्ट कर लिया है और इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वह 10.6 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अब इन 5 कैपेसिटर का मैं सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ और सीरीज कॉम्बिनेशन करके आपको बताता हूँ कि कितना कैपेसिटेंस होना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेंगे और पहले मैं इसका आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊँगा कि थ्योरेटिकल कितना कैपेसिटेंस आता है। तो फ्रेंड्स फटाफट इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने एक कनेक्टर का यूज़ किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक वाले वायरों को कनेक्टर के बीच में लगाया है। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स मैं वापस मल्टीमीटर का यूज करूँगा और मल्टीमीटर का यूज करके इसमें कितना कैपेसिटेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लिया है, दोनों रेड वायर के बीच में मैंने मल्टीमीटर को लगा लिया है और फ्रेंड्स मल्टीमीटर को लगाने के बाद यहाँ पर 2.3 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस आ रहा है। दोस्तों 2.2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा वेरी हो रहा है 2.3 से 2.2 के बीच में। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम थ्योरेटिकली चेक कर लेंगे कि थ्योरेटिकली कितना कैपेसिटेंस आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप किया और फॉर्मूले के अंदर मैं कैपेसिटर की वैल्यू को डालूंगा और कैपेसिटर की वैल्यू को डालने के बाद चेक कर लेता हूँ कि कितना माइक्रोफेरेड आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड हमें फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमें जो मल्टीमीटर से प्राप्त हुआ था वह 2.3 माइक्रोफेरेड था और जो हमें कैलकुलेशन से प्राप्त हुआ है वह 2 माइक्रोफेरेड है, जो कि ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर उसका कैपेसिटेंस कम होता है। अब फ्रेंड्स इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर कितना कैपेसिटेंस आना चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया है। अब फ्रेंड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मैं मल्टीमीटर का यूज करके इसके अंदर कितना कैपेसिटेंस है वो चेक कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स मल्टीमीटर के अंदर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि कितना कैपेसिटेंस आया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 51.4 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि 51.4 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है तो यह कैपेसिटेंस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों अब हम इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कि थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन में कितना
माइक्रोफेरेड आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुटअप किया है, और फॉर्मूला पुटअप करने के बाद यहाँ पर टोटल 50 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है जो। और दोस्तों हमने जो प्रैक्टिकल किया था तो वहाँ पर 51.4 माइक्रोफेरेड दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स 50 और 51.4 माइक्रोफेरेड में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर क्या बिहेव होता है। कुछ यूजफुल वीडियो के लिंक दोस्तों मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इन्हें ओपन करके देख सकते हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।